व्हाइट हेड्स छोटे सफेद उभार होते हैं जो कि माथे, ठोड़ी और नाक पर उभर कर आपकी खूबसूरती को बिगाड़ते हैं। ये एक प्रकार के मुहासे हैं जो स्किन कोशिकाओं, जहरीले पदार्थों, मिट्टी और सेबम से त्वचा के रोम छिद्रों के बंद होने के कारण उभरते हैं। ये उभार खास तौर पर माथे और ठोड़ी पर निकलते हैं। इनके कारण आपकी त्वचा गंदी और भरी दिख सकती है। लेकिन क्या आपको पता है कि माथे और ठोड़ी से इन व्हाइट हेड्स को हटाना कितना आसान है? बाजार में कई सौंदर्य उत्पाद हैं, स्क्रब्स हैं जिनसे आप इन्हें हटा सकती हैं। लेकिन यदि आप ये बाजार के उत्पाद इस्तेमाल करने में संकोच करती हैं, तो कुछ घरेलू नुस्खे भी अपना सकती हैं। बोल्ड स्काई पर हम आपको ऐसी ही औषधियाँ बता रहे हैं जिनसे आप इन व्हाइट हेड्स को हटाकर अपनी त्वचा को साफ सुथरी रख सकती हैं। हम जो आपको औषधियाँ बता रहे हैं, इन सभी में एंटी बैक्टीरियल तत्व हैं। इन तत्वों से आपकी त्वचा के रोम छिद्र खुलेंगे और ये व्हाइट हेड्स दूर होंगे। आप अपनी त्वचा के लिए ये नुस्खे अपना सकती हैं। टीस्पून चंदन के पाउडर को 1 टीस्पून डिस्टिल्ड वाटर में मिलाएं। इसे माथे और ठोड़ी पर लगाएं, 5 मिनट तक रहने दें। इसके बाद गुनगुने पानी से इसे धुलें। 3 बूंद टी ट्री ऑयल में 1 टीस्पून नारियल का तेल मिलाएं। इसे प्रभावित जगह पर मलें। 5 मिनट बाद गुनगुने पानी से किसी चीज से उतार लें। अच्छे परिणामों के लिए इसे हर सप्ताह लगाएं। एप्पल साइडर सिरका की 4 बूंदें 1 टीस्पून डिस्टिल्ड वाटर में मिलाएं। इसे माथे और ठोड़ी पर लगाएं। इसे 5 मिनट तक रहने दें और फिर गुनगुने पानी से धो लें। व्हाइट हेड्स हटाने के लिए इसे सप्ताह में 3 से 4 बार लगाएं। 2 टीस्पून पके हुए ओटमील में 1 टीस्पून गुलाब जल मिलाएं। माथे और ठोड़ी पर मलें। इसे 10 मिनट तक लगा रहने दें और फिर गुनगुने पानी से धो लें। बेहतर परिणामों के लिए इस मिश्रण को प्रभावित जगह पर रोजाना लगाएं। 1 टीस्पून बेकिंग सोडा में 1 टीस्पून पानी मिक्स करें। इसे प्रभावित जगह पर लगाएं। गुनगुने पानी से उतार लें। बेहतर परिणाम के लिए इसे सप्ताह में 2 से 3 बार लगाएं। नींबू 1-1 फांग काट लें और इसमें शहद की 3 से 4 बूंदें डालें। इसे माथे और ठोड़ी पर लगाएं। इसे ठंडे पानी से धोएं। इसे रोजाना इस्तेमाल कर आप व्हाइट हेड्स से छुटकारा पा सकते हैं। 1 टीस्पून बेसन लें और इसमें 1 टीस्पून पानी मिलाएं। इसे प्रभावित जगह पर लगाएं। इसे गीले कपड़े से साफ करें। अच्छे रिजल्ट्स के लिए रोज लगाएं 1 टीस्पून बेंटोनाइट मिट्टी में 1 टीस्पून गुलाब जल मिलाएं। इस मिश्रण को व्हाइट हेड्स पर लगाएं। बाद में इसे साफ पानी से धो लें। व्हाइट हेड्स को अलविदा कहने के लिए इस औषधि को हर सप्ताह लगाएं। 1/2 टीस्पून में ब्राउन शुगर लें और इसमें 1 टीस्पून जैतून का तेल डालें। इस तैयार सामग्री को मिलाकर ठोड़ी और माथे पर लगाएं। 5 मिनट गड़कर इसे गुनगुने पानी से साफ कर लें। इसे सप्ताह में 3 से 4 बार लगाने से व्हाइट हेड्स चले जाएंगे।